गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20th। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस आवर पास्ट और क्लास है 6। डेट है 7 दिसंबर। चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, यानी कि नए क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये है इस किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। अब यहाँ पे आप जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, फोटो में देखो, यहाँ पे एक टीचर बैठे हैं, ठीक है, और ये सब लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं। तो पहले जो ज्ञान होता था ना, वो किताबों में लिखकर नहीं दिया जाता था, वो डायरेक्टली शिष्यों को दिया जाता था। जो शिष्य होते थे उनको डायरेक्टली सुनाया जाता था, फिर शिष्य याद कर लेते थे, उसको रट लेते थे, एक तरह से बिल्कुल कंठस्थ कर लेते थे याद करने को, एक तरह से बहुत मतलब अच्छे से। तो फिर उन वो शिष्य जब गुरु बनते थे, फिर वो इस तरीके से परंपरागत तरीके से ये चीज़ें चलती रहती थी। तो उपनिषद का क्या मतलब है? उपनिषद का मतलब है अप्रोचिंग एंड सीटिंग नियर, यानी कि किसी के पास में बैठना या फिर गुरु से सुनना। टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस टेक्स्ट में क्या है, उपनिषद में क्या है, ये है बातचीत, किस किस की, टीचर और स्टूडेंट की। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, यानी कि सिंपल जो वारदात होती है, सिंपल बातचीत होती है, उसमें ही डायलॉग रखे जाते थे। अब अराउंड दैट टाइम, उस टाइम में बुद्धा वाज प्रीचिंग, ठीक है, बुद्धा जो थे थोड़ा सा मतलब उपदेश देते थे। प्रीच का मतलब क्या होता है, उपदेश देना। एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, जो अदर्स थिंकर्स थे वो सोच रहे थे कि भाई जो लाइफ होती है आफ्टर डेथ, किस तरीके की लाइफ होती है, और जो यज्ञ कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं, हम मौत के बाद क्या हो जाता है, इंसान कहाँ जाता है, क्या मौत के बाद भी कोई और लाइफ होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे लोगों में उठ रहे थे, ठीक है, लोग एक दूसरे के मतलब पूछ रहे थे। दे डिस्क्राइब दिस एज अ आत्मा और द इंडिविजुअल सोल, ठीक है, कुछ कहते थे कि आत्मा और परमात्मा एक है, कुछ कहते थे कि नहीं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर, जो भी उपनिषद के थिंकर थे, स्पेशली जो ब्राह्मण थे और राजा थे, ठीक है, ओकेजनली देर इज़ अ मैंशन ऑफ वुमेन थिंकर समटाइम, मतलब कुछ कुछ वुमेंस भी थी। देखो उस टाइम में भी वुमेंस को इक्वलिटी का दर्जा दिया जाता था जो टैलेंटेड होते थे, ठीक है। कुछ वुमेंस थी जैसे कि एक ऐसी ही बहुत ही मतलब फेमस थी अपनी चीज़ों को याद करने के लिए, तो इनका नाम था गार्गी। क्या नाम था इनका, गार्गी। क्या नाम था बच्चे इनका, गार्गी। एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट्स, ठीक है, और जो डिबेट हुआ करती थी रॉयल कोर्ट में, उनमें भी ये पार्टिसिपेट किया करती थी। पुअर पीपल रिले रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस, जो गरीब लोग होते थे वो तो इन पार्ट्स में डिस्कशन नहीं ले पा, इनमें हिस्सा नहीं ले पाते थे। वी मे फाइंड सम एक्सेप्शन टू, हमें कई कई लाइक कुछ कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। किस चीज़ के एक्सेप्शन, कि कुछ गरीब लोग भी पार्ट ले लेते थे। तो चलिए अब इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड उपनिषद, उपनिषद वर्ड का क्या मीनिंग है। उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। व्हाट आंसर डिड उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू फाइंड, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही है, इसको मैं रेड में करना रह गया होगा। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस की क्या ज़रूरत है, यज्ञ की क्या ज़रूरत है। फिर थर्ड क्वेश्चन, नेम वन वुमेन थिंकर दैट ऑफ दैट टाइम, ठीक है, आंसर क्या है, गार्गी। गार्गी उस टाइम की एक इंटेलिजेंट लेडी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपका चैनल बनाया मैंने 6th, 7th, 8th का, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, हालांकि वहाँ पे वीडियो भी मैंने नहीं डाली है। लेकिन इस चैनल का प्लान क्या है कि आप लोगों के जैसे चैप्टर हम कर रहे हैं, आज पहला चैप्टर यहाँ पे हमने वर्कशीट के थ्रू किया, वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है, वन गो में आपको कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा। सम टाइम जो मैथ साइंस होगा वो तो लाइव कराया जाएगा, SST की वैसे वीडियोज डाल दी जाएंगी। तो जिन बच्चों ने अभी वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ये मत बोलना कि मैम आपने हमें नहीं बताया था। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो वर्कशीट है ना, पिछली सारी वर्कशीट है
वो मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई है, क्लास 6 की ऑल सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, हिंदी की, और जितनी भी पुरानी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, वहाँ पे एक बार आप जाकर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग हो गए हैं 100 के, हमने सेलिब्रेट भी किया था और हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ओके, तो अभी हम आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।